हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बी एंड इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है सीजीएल मेंस का 2 से लेकर 7 मार्च तक, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं। मतलब 10 सेट हैं जिसमें 20-20 क्वेश्चन हर एक सेट में आपके होने वाले हैं और 10 वीडियोस आपकी आएंगी। तो 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं जो क्वांट्स के सेक्शन के साथ हमने अपलोड की हैं। अब से ये जो सीरीज है ये कंप्यूटर की एक अलग सीरीज चलने वाली है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ ये क्वांट के साथ नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये थर्ड पार्ट है ना। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सीरीज को और देखते हैं हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको देखने के बाद जो आपके एग्जाम में काफी आपको एग्जाम में काफी हेल्प होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन, शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। जैसे ही आपने कोई पेज को प्रिंट कराना है तो वो आपका जो पेज है वो किस तरह से प्रिंट होकर आएगा, तो उसका जो प्रीव्यू है वो हम कैसे उसको देख सकते हैं, ठीक है, प्रिंट का। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F1, Ctrl+F2, Shift+F1 या फिर Shift+F2। तो उसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है आपकी Ctrl+F2। फाइन, चलिए। Which of the following is not a term pertaining to email? इसमें से कौन सी एक टर्म है जो ईमेल से मिलता जुलता नहीं है, मतलब ईमेल से जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, यहां पर ऐसी कौन सी टर्म है, ठीक है। पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर या फिर रिसीवर। तो ईमेल में हम क्या करते हैं, मेल्स को भेजते हैं, रिसीव करते हैं, है ना। तो यहां पर ये तीनों जो पार्ट हैं आप यहां पर देख लीजिए, चाहे वो इनबॉक्स हो, चाहे वो सेंडर हो, चाहे वो रिसीवर हो, ये तीनों ही पार्ट हमारे कहीं ना कहीं हमारे उसके ईमेल का एक पार्ट है ये तीनों चीजें। फाइन, तो क्या नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, क्योंकि पावर पॉइंट हमारा किसका, एक एमएस ऑफिस का पार्ट है। तो सही आंसर इसका यहां पर क्या होगा, पावर पॉइंट इसका पार्ट नहीं है, बाकी तीनों पार्ट क्या हमारे ईमेल से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, डैश इज सेट ऑफ रूल्स, इसमें से जो कोई भी एक सेट ऑफ रूल्स बोला जाता है, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स किसको बोला जाता है, तो सेट ऑफ रूल्स बोला जाता है प्रोटोकॉल को, ठीक है। ना ही वो रिसोर्स लोकेटर है, ना ही वो डोमेन है, ना ही वो हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स जो है बोला जाता है वो प्रोटोकॉल को बोला जाता है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू यूवी लाइट। जो यूवी रेज होती है, जो आपकी अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, इसमें से उनको एक्सपोज करने के बाद किसको आप इसमें से यूवी रेज में उस चीज को एक्सपोज करेंगे तो आपकी वो चीज है वो उस पर वो काम कर देती है, वो चीज इरेज हो सकती है। तो रोम होती है, पी रोम होती है, ईपी रोम है या फिर डीपी रोम है। तो सही आंसर का क्या है, यहाँ पर ईपी रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है इसका, ठीक है, फुल फॉर्म। फाइन, चलिए, SMTP, FTP and DNS are applications protocols of the dash layer. SMTP हो चाहे FTP हो चाहे DNS हो, ठीक है, ये सारे के सारे protocols या फिर इसमें से कुछ applications भी हैं। तो ये किसका पार्ट है, ये कौन सी लेयर का पार्ट होता है हमारा, डेटा लिंक का, नेटवर्क का, ट्रांसपोर्ट का या फिर एप्लीकेशन का, ठीक है। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये उसका पार्ट होता है, चाहे वो SMTP हो, चाहे वो FTP हो, चाहे वो DNS हो। फाइन, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, अगर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई उसको कुछ डिस्प्ले करना है या मेन्यू को, स्टार्ट मेन्यू को हाइड करना है, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू क्या, या तो आप डिस्प्ले करेंगे उसको हाइड करेंगे, तो क्यों कौन सी की है जो आप यूज करेंगे, विंडो लोगो, विंडो लोगो प्लस ब्रेक, विंडो लोगो प्लस डी या फिर विंडो लोगो प्लस एम। तो सही आंसर क्या है इसका, विंडो लोगो जो की होती है या आपका इसका सही आंसर है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें स्टार्ट मेन्यू को हाइड या डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज द फर्स्ट पेज दैट वी सी व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें से कुछ तो क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है और डैश क्या है, फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का, ठीक है। तो वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, होम पेज, वेबसाइट, लॉग इन पेज या फिर वेब पेज। तो वेब पेज के कलेक्शन को वेब पेज तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, लॉग इन पेज भी नहीं बोलते, होम पेज भी नहीं बोलते, ठीक है, इसको बोलते हैं वेबसाइट। और डैश इज द फर्स्ट पेज दैट वी सी व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट। ठीक है, जब वेबसाइट को ओपन करेंगे आप, सबसे पहला पेज जो होता है आपका वो होम पेज निकल कर आता है। फाइन, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली। ठीक है, इसमें से कौन सी की है जो आपके सिलेक्टेड आइटम को परमानेंटली डिलीट करने के जो है वो काम आती है, ऑल्ट प्लस डिलीट है, शिफ्ट प्लस डिलीट है,
शिफ्ट प्लस डी है या फिर ऑल्ट प्लस डी है। तो सही आंसर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका शिफ्ट के साथ जब आप डिलीट करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए विच की इज एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है टॉगल की का, ठीक है, चाहे वो ऑल्ट है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, फिर कैप्स लॉक है। तो यहां पर जो है कैप्स लॉक की जो होता है सही एग्जाम्पल होता है हमारा टॉगल की का। फाइन, चलिए विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया टू ट्रांसफर द डेटा, इसमें से कौन सा ऐसा फास्टेस्ट मीडिया है जो उसमें से आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए बात यहां पर हो रही है मीडिया के ट्रांसफर की, ठीक है, तो कौन सी ऐसी एक ऐसा एक मीडियम है जिसमें सबसे तेज आपका जो है वो मीडिया जो है आपका जो डेटा जो है वो ट्रेवल करता है, तो वो कोएक्सियल केबल है, अनट्विस्टेड वायर है, टेलीफोन लाइंस है, फिर फाइबर ऑप्टिक्स है। तो सही आंसर जो है वो फाइबर ऑप्टिक हो जाएगा, क्योंकि यही आपका सबसे फास्टेस्ट मीडियम जो है वो होता है डेटा को ट्रेवल करने के लिए। बाय डिफॉल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाय डिफॉल्ट वो किस मीडियम में किस फॉर्म में हैं वो जो आपके वो प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे यहां पर हम दो मोड की, जो आपका पेपर है वो हमेशा दो फॉर्म में होता है, एक होता है आपका ऐसे पोर्ट्रेट मोड, एक होता है इस तरह से, ये होता है आपका लैंडस्केप मोड। फाइन, तो ये वाला ये मोड जो है पोर्ट्रेट मोड जो है यही आपके इसमें आपके डॉक्यूमेंट जो हमेशा क्या होते हैं प्रिंट होते हैं, ठीक है, दैट इज पोर्ट्रेट मोड। नेक्स्ट, इफ अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सच एज प्रिंटर और स्कैनर इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज, यहां पर क्या बोला गया है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई डिवाइस है आपने उस डिवाइस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है तो क्या करेंगे आप उसको चलाने के लिए किस चीज की आपको जरूरत होती है उसमें, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया है बफर की, ड्राइवर की, पेजर की या सर्वर की। सपोज आपने कोई अपने सिस्टम में कोई कैमरा आपने उस इंस्टॉल किया है तो कैमरा को रन करने के लिए उसके एप्लीकेशंस के लिए आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइवर हो गया चाहे वो सीडी के चाहे वो कॉम्पैक्ट डिस्क के मीडियम से ड्राइवर उसमें इंस्टॉल करें या फिर कुछ भी चीज हो सकती है। अगर आपको उसमें कुछ भी एक्सटर्नल चीज उसमें आपको इंस्टॉल करनी है, आपको उसमें अगर प्रिंटर यूज करना है, प्रिंटर लगाना है, पेन टैब लगाना है, बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, अगर आपको उससे अटैच करनी है तो आपको यू नीड अ मीडियम, ठीक है, यू नीड अ मीडियम टू, यू नीड अ ड्राइवर टू फॉर दैट थिंग टू वर्क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है यहां पर, ड्राइवर। Which of the following data structure is linear type? इसमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर टाइप होता है, लीनियर टाइप का मतलब क्या है, इस तरह से, ठीक है, आपके मतलब लीनियर में हो, लाइन में हो, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ठीक है। तो कौन सा होता है, ट्री, ट्री कैसे होता है, ट्री आपका इस शेप में होता है, ठीक है, ठीक। ग्राफ आपका आपको पता ही है इस शेप में होता है, ठीक। अब बचा आपका क्यू, क्यू जो है वो क्यू आपके में से एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, बट स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा। तो लीनियर फॉर्म जो होती है आपके हमेशा वो क्यू होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, द लास्ट लेयर इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल्स इज, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में लास्ट लेयर कौन सी होती है। तो पहले की बात कितनी लेयर इसमें होती है उसके बारे में देख लेते हैं। टोटल इसमें हमारे पास 7 लेयर्स होती है, ठीक है, कितनी, 7 लेयर इसमें हमारे पास होती है। और सबसे जो पहली होती है वो होती है फिजिकल लेयर, सबसे लास्ट जो होती है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो होती है आपकी इसमें एप्लीकेशन लेयर। फाइन, चलिए, विच टाइप ऑफ कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट्स कैन बी पब्लिश्ड ऑन द वेब, इसमें से कौन से ऐसे कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप वेब पर पब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो डॉक फाइल है, एचटीटीपी हो, मशीन लैंग्वेज हो या फिर एचटीएमएल हो। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो वेब पर पब्लिश हो सके। इसका सही आंसर है हमारे पास HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, द टर्म डैश रेफर्स टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क, ठीक है, इसमें से कौन सी टर्म है जो कंप्यूटर कंपोनेंट को चलाने के लिए जो है वो काम आती है। इसका सही आंसर है रिसोर्स, ठीक है। तो रिसोर्स क्या होता है, आपके कंप्यूटर कंपोनेंट को वर्किंग के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट, Which of the following is the device that is constructed with a series of sensors that detects hand and finger motion? ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है हैंड और फिंगर के मोशन को। तो इसका सही आंसर आपका डेटा ग्लव, ठीक है, डेटा ग्लव जो होता है आपके वो उसको ठीक से मॉनिटर करता है, ठीक। चलिए, What do we call the time required to send one single bit? एक सिंगल बिट को, ठीक है, सेंड करने के लिए जो टाइम आपको चाहिए होता है वो क्या होता है, वो आपको टाइम चाहिए होता है यहाँ पर बिट इंटरवल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
यस ठीक है। तो बिट इंटरवल जो होता है आपको सिंगल बिट को सेंड करने के लिए आपको काम आता है ठीक। विच की इज यूज फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, जो आपके टेबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सी की आप यूज करते हैं, फॉरन की, सुपर की, प्राइमरी की, इस तरह के हमारे पास काफी सारी कीज होती हैं। तो क्या इसका सही आंसर, ऑल्टरनेट, कॉम्पोजिट, प्राइमरी या फिर फॉरन? तो सही आंसर है फॉरन की। फॉरन की क्या होती है, ये दो अलग अलग टेबल्स के जो मॉड्यूल होते हैं और जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैच करने के लिए हमेशा काम आती है ठीक है, दैट इज फॉरन की। एंड नेक्स्ट इज विंडो एक्सपी विच शॉर्टकट इज यूज टू साइकिल थ्रू ओपन आइटम इन टास्क बार ठीक है। अगर आपके टास्क बार में कुछ ओपन आइटम्स है तो उनको आपको अगर साइकिल थ्रू करना है तो आप क्या करते हैं, आप ऑल्ट प्लस टैप करते हैं ठीक है। ऑल्ट प्लस टैप करने के बाद आप उसको साइकिल थ्रू कर सकते हैं ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये एक वीडियो में 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिए, दो पार्ट्स के पहले आ चुके हैं, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। प्लस अगर आपने अभी हमारे कोर्स को नहीं लिया है तो एक बार हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारे कोर्स को देखिए ठीक है। इसमें हमारे आपके आपके लिए 300 से ज्यादा हमने वीडियोस में लेकर आए हैं, कोर्स वीडियोस हैं ठीक है। 7 हमारे पास मॉक टेस्ट हैं, 7 पास मॉक टेस्ट हैं मेंस के लेवल के, कुछ दिन आपके बचे हैं, आज 18th हो गई है आई गेस है ना, 17th आज, तो अभी आपके पास 15 दिन में नहीं है, 2 वीक्स आपके पास है, ऑलमोस्ट 11-12 दिन है ठीक है, 28 तक 11 दिन और एक, तो 11-12 दिन आपके पास बचे हैं आपके मेंस एग्जाम के लिए। तो अच्छे से उनकी तैयारी कीजिए, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, 10 पार्ट इस सीरीज के आने वाले हैं, इसको आप एग्जाम तक जरूर देखिए। कोई आपकी क्वेरी है किसी कोर्स के रिगार्डिंग, किसी वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए वीडियोस में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड थैंक यू।